खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। दरअसल ट्रेन की चपेट में आकर 3 युवकों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं। रेलवे ट्रैक पर कहा जा रहा है कि बैठकर ईयरफोन से गाना ये युवक सुन रहे थे। तो बुड़ाकी गांव के रहने वाले थे ये सभी युवक। दादरी थाना क्षेत्र के बुड़ाकी गांव के पास बने रेलवे ट्रैक की ये घटना है। तो एक दर्दनाक हादसा ग्रेटर नोएडा में देखने को मिला है, जहां पर ट्रेन की पटरी पर बैठकर एयरफोन से गाना सुन रहे थे युवक, और इसी दौरान ट्रेन आ गई। इनको सायरन की आवाज भी नहीं सुनाई दी, जिसके चलते इन 3 युवकों की मौत हो गई ट्रेन की चपेट में आकर। मौके पर ही 3 युवकों की मौत। इसमें बताया जा रहा है कि मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। बुड़ाकी गांव के रहने वाले थे ये सभी युवक। दादरी थाना क्षेत्र के बुड़ाकी गांव के पास जो रेलवे ट्रैक बना है, वहां का ये मामला है। वहीं पर बैठकर ये रेलवे ट्रैक पर ईयरफोन से गाना सुन रहे थे, और इसी बीच ट्रेन की चपेट में आकर इनकी मौत हो गई। तो ग्रेटर नोएडा का मामला है, दादरी थाना क्षेत्र का। अक्रम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अक्रम, ये हमेशा कहा जाता है, सख्त हिदायत लोगों को दी जाती है, ऐसा कोई काम ना किया जाए जिससे उनकी जान को नुकसान हो, और ये बड़ी लापरवाही इन युवकों की तरफ से ही कहीं ना कहीं कि एयरफोन लगाकर रेलवे ट्रैक पर गाना सुन रहे थे। बिल्कुल, देखिए दोस्तों, ये एक दुखद और बड़ा हादसा है जो कि दादरी थाना इलाके में हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात ये सभी युवक 3 रेलवे ट्रैक पर बैठकर ईयरफोन लगाकर गाना सुन रहे थे, लेकिन वहीं से गुजर रही मालगाड़ी, चूंकि इन्होंने ईयरफोन लगाया था, ये सुन नहीं पाए, और इसी दौरान एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें 2 सगे भाई हैं सोनू और दीपक, जीतू और दीपक, और जबकि इनका एक दोस्त है सोनू, 3 की ही दर्दनाक मौत हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि परिवार वालों ने बिना पुलिस को सूचना दी है 3 का अंतिम संस्कार कर दिया है। तो एक बड़ी घटना एक बार फिर ये लापरवाही की वजह से सामने आई है। अक्सर ऐसा कई बार लोगों को हिदायत भी दी गई है, जन जागरण के माध्यम से लोगों को बताया गया है कि इस तरीके बिल्कुल हिदायत दी जाती है, लेकिन बावजूद उसके लोग मानने को तैयार नहीं। धन्यवाद आपका अक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए।